नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रैक्टिकल टेक्नीशियन चैनल में। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और डेली कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे अपने काम को बेहतर बनाने के लिए, जिससे कि आप अपने फील्ड्स में अपना बेस्ट दे पाएँ। तो इसी आशा के साथ इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टेनर। जी हाँ, स्टेनर कहाँ पर प्लेस किया जाता है या कहाँ पर लगाया जाता है, इसके एडवांटेज क्या क्या हैं और इसके डिसएडवांटेज क्या क्या हैं, किस तरीके की इसकी प्लेसमेंट होती है, किस तरीके से इसको रिप्लेस किया जाता है, तो ये सारी डिटेल इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो वीडियो से आपको स्टेनर रिलेटेड जितने भी नॉलेज है वो देखने को मिलेगी। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको स्टेनर से रिलेटेड थोड़ा बहुत नॉलेज मिल पाए। तो स्टेनर की बात कर लें, स्टेनर एक फ़िल्टर की तरह काम करता है, जो कि गंदगी को आगे जाने से रोकता है। जहाँ पर आप फ़िल्टर लगाते हैं वो क्या करता है, फ़िल्टर उस गंदगी को एब्जॉर्ब करता है, अपने में रोके रखता है और आगे बढ़ने से रोकता है। तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर बकेट स्टेनर की, जो कि लगा हुआ है कूलिंग टावर के अंदर। स्टेनर आपके लाइंस में लगे रहते हैं, जो कि क्या काम करते हैं, गंदगी को आगे जाने से रोकते हैं वाटर लाइंस में। तो यहाँ पर कूलिंग टावर है। अब बात कर लेते हैं कि गंदगी आती कहाँ से है इन चीज़ों में। तो जो आपका कूलिंग टावर होता है उसमें जो पीवीसी एलिमिनेटर होती है, उसका सड़ के गल के सम्प में गिरना, जो कि आपकी पीवीसी एलिमिनेटर है वो प्लास्टिक की होती है, आपको बताया, और वो जब सड़ती है गलती है तो क्या करती है, सम्प में गिरने लग जाती है। जैसे आप सामने देख पा रहे हैं, इस कूलिंग टावर के सम्प में गिरेगी और वो पानी के साथ जाएगी आपके वाटर लाइंस में। और जो वाटर लाइंस है वो कनेक्ट रहते हैं आपके कंडेंसर इवेपोरेटर के साथ। तो कंडेंसर और इवेपोरेटर में वो पीवीसी एलिमिनेटर ना जाए, इस वजह से आपके स्टेनर लगे होते हैं। और ये स्टेनर बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेते हैं उन गंदगी को, या अपने में रोक लेते हैं। जैसे कि आप सामने सम्प देख पा रहे हैं, इसी सम्प में वो गंदगी गिरती है। कहीं कहीं पे आपके जो कूलिंग टावर होते हैं वो ज़्यादा खुले होते हैं, जिससे कि क्या होता है, जैसे आप ये सामने देख पा रहे हैं जाली लगी होती है। तो ये जाली इसलिए लगाई जाती है कि ज़्यादा गंदगी आपके सम्प में ना जाए, आपके पानी में ना जाए, और इस पाइपलाइन के थ्रू वो कहाँ, आपके कंडेंसर या इवेपोरेटर में ना पहुंच पाए। डिस्चार्ज रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है जब आपका फ़िल्टर या जो स्टेनर होता है वो ख़राब होता है, क्योंकि जो वाटर का फ्लो है वो कम हो जाता है, जिसके वजह से आपका जो कंडेंसर है उसका डिस्चार्ज ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आप ये सामने देख पा रहे हैं बकेट स्टेनर। तो यहाँ पर आपका जो लाइन होती है, आपको पता है एक इनलेट होती है जो कि कूलिंग टावर में जा रही होती है, और सेकेंड होती है जो कि आपके कंडेंसर की तरफ जा रही होती है। तो ये कंडेंसर की तरफ जाने वाली लाइन है, सामने की तरफ वाल्व्स भी लगे हैं, एक बाईपास लाइन भी है, जिससे कि अगर आपको स्टेनर में काम करना हो तो आप उस बाईपास लाइन का यूज़ कर देते हैं। तो ये सामने आप जो बॉडी देख पा रहे हैं सिलेंड्रिकल टाइप, उसके ऊपर कैप भी रखा हुआ है। तो ये आपका बकेट स्टेनर है। बकेट स्टेनर यानी कि बाल्टी की तरह होता है, इसके अंदर आपको फ़िल्टर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप सामने देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ से पानी आता है और नीचे की तरफ से पानी निकल जाता है। तो ये मैंने ढक्कन हटा दिया है, तो सामने आप देख पा रहे होंगे ये आपका बकेट स्टेनर है। इसके अंदर आपका स्टेनर या फ़िल्टर लगा होता है, जो कि आप सामने देखेंगे अभी। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपका एक साइड से पानी इंटर करता है इस लाइन में। आपको सामने वाल भी दिख रहा होगा, ये ओपन वाल है। तो यहाँ से आपका पानी इंटर करता है, यानी कि कंडेंसर की तरफ जा रहा होता है, और उसके बाद वो गिरता है इस फ़िल्टर के ऊपर। नीचे की तरफ आपको अभी दिख रहा होगा शायद थोड़ा बहुत, तो इस फ़िल्टर के ऊपर वो गिरता है और वो फ़िल्टर उन गंदगी को रोक लेता है। अभी आप देखेंगे ये सामने की तरफ, तो कुछ इस तरीके का ये फ़िल्टर होता है, और इसके ऊपर जब वो गंदगी गिरती है तो वो इसी में रह जाती है, और जो पानी है वो साफ होकर आगे कंडेंसर की तरफ चले जाता है। तो आप सामने देख पा रहे होंगे गंदगी गिरी हुई है, और इसमें पीवीसी एलिमिनेटर भी आपको देखने को मिल सकता है। और कुछ पार्ट, अब ये जो आपका फ़िल्टर है वो भी गल जाता है, तो उसका पार्ट भी कुछ इसमें गया हुआ है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से जहाँ पर पानी का जो हार्डनेस ज़्यादा होती है वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो जल्दी गलने लग जाती है, क्योंकि जो नमक है वो क्या करता है, जल्दी गलाने का काम कर देता है किसी भी चीज़ को। तो यहाँ पर आपको वही देखने को मिल सकता है। तो जो फ़िल्टर है उसका पार्ट्स भी कुछ गए हैं, पीवीसी जो एलिमिनेटर होते हैं उसके कुछ टुकड़े गए हैं। तो सामने आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से दिखता है, क्योंकि वो वाला जो है मैं आपको प्रॉपर नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि उसके बाद की वीडियो मेरे पास नहीं थी। तो कुछ इस तरीके का फ़िल्टर होता है, आपने स्क्रीन पर देखा होगा, सिलेंड्रिकल टाइप होता है, नीचे की तरफ से पूरा पैक होता है, ऊपर की तरफ से खुला होता है। तो जो ऊपर की तरफ से खुला हिस्सा होता है वहाँ पर से पानी गिरता है, नीचे गंदगी रुक जाती है और पानी आगे चले जाता है। तो बकेट स्टेनर के अलावा आपको वाई स्टेनर भी देखने को मिलता है, जो कि वाटर लाइंस में लगा रहता है।
सेम सिमिलर होते हैं, बस इसके अंदर फिल्टर होता है जो कि आपको कुछ टाइम के बाद रिप्लेस करना होता है या उसके अंदर से गंदगी निकाल के उसको वापस से फिट कर देना होता है। तो कुछ इस तरीके का आपके स्ट्रेनर होते हैं, उसके अंदर फिल्टर होते हैं जो कि मैंने आपको इस वीडियो में दिखा दिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।